स्टूडेंट्स तो मिसेलेनियस एक्सरसाइज ऑन इंटीग्रेशन या चैप्टर 7 पर जो है उसका काम कर रहे हैं, उसमें हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 19 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से आगे बढ़ाता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस रूट एक्स, यहां नीचे है 1 प्लस रूट एक्स dx। इस टाइप का क्वेश्चन दिखने से आपको एक आइडिया होना चाहिए जे एक्स इक्वल टू क्या पुट करूं जिससे ये कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन जो है वो इजी हो जाए। इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी इस तरह के कुछ सिंपलीफाई द फॉलोइंग वो सब किए थे, उस आइडिया से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। पुट एक्स इक्वल टू एक्स या रूट एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा, इसलिए क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 sin² थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos² थीटा होता है। ये 1 माइनस भी है, 1 प्लस में भी है, इसलिए इस केस में cos थीटा या cos 2 थीटा पुट करते हैं। 2 थीटा या इजी होने के लिए थीटा भी पुट कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। एक्स इक्वल टू रूट एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा पुट किया तो एक्स इक्वल टू आपका कॉस स्क्वायर टू थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू थोड़ा लंबा होगा, डी एक्स इक्वल टू 2 cos 2 थीटा, फिर कॉस टू थीटा का सॉरी 2 cos 2 थीटा, फिर कॉस टू थीटा का -sin 2 थीटा, फिर 2 थीटा का 2 into d थीटा, यानी आया आपका 2 into 2 4 -4 cos 2 थीटा sin 2 थीटा d थीटा इक्वल टू, यहां लंबा एक्सप्रेशन है इसको इधर लिखता हूं, इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा। ये रहा इसका एक्सप्रेशन, ये प्रॉब्लम पार्ट। डी एक्स का आया -4 ब्रैकेट में दे दिया -4 cos 2 थीटा sin 2 थीटा फिर डी थीटा रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos² थीटा, -4 बाहर कर दू, यहां रहा cos 2 थीटा sin 2 थीटा d थीटा। रूट एक्स को हमने रूट एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा पुट किया था, ये लिख के रख देता हूं, फिर मिटा दूंगा बोर्ड को। एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर टू थीटा, ओके। आगे इक्वल टू -4 इंटीग्रेशन ऑफ ये टू कैंसिल, साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर, मतलब साइन ऊपर में कॉस ये डिनोमिनेटर में लिख दिया हमने। टेन थीटा नहीं लिखा क्योंकि इधर का एक्सप्रेशन साइन कॉस में है, इसलिए टेन थीटा लिखने से भी फिर आपको वापिस साइन कॉस में आना पड़ेगा। कॉस टू थीटा रहने देता हूं फिलहाल, कॉस टू थीटा, साइन टू थीटा को 2 sin θ into cos θ d θ, -4 ये cos θ कैंसिल, बचता है आपका 2 sin² θ इधर cos 2θ d θ। अब रहा बात स्क्वायर या पावर होने से, आप पावर से मल्टीपल एंगल में लाए क्योंकि इधर मल्टीपल एंगल है, इसको अगर पावर में तोड़ू cos 2 थीटा को लिख सकता हूं, cos 2 थीटा को 1 प्लस 2 cos² थीटा, तो ये पावर में मत जाए, वापिस आना है स्क्वायर से मल्टीपल एंगल में आना है। तो इस तरह से -4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin² थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा, अभी हमने यूज किया इसको, इधर फिर cos 2 थीटा d थीटा, -4 इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर दू cos 2 थीटा माइनस cos² 2 थीटा d थीटा, ये इंटीग्रेशन हो जाता है तो कर ही देता हूं 4 into cos 2 थीटा का sin 2 थीटा by 2, 2 थीटा का एक कोफिशियंट, थीटा का कोफिशियंट 2, -+ इंटीग्रेशन ऑफ cos² 2 थीटा d थीटा। यहां तक हो चुका है ये
मिटा देता हूं ऊपर वाला पोर्शन, इक्वल टू माइनस टू साइन टू थीटा, ओके, प्लस फोर इंटीग्रेशन, फिर स्क्वायर है पावर में तो इसको मल्टीपल एंगल में फिर लाए, कॉस स्क्वायर थीटा हाफ वन प्लस कॉस टू थीटा, थीटा मैं टू थीटा को बोल रहा था, वन प्लस कॉस टू थीटा, इसका डबल एंगल मतलब फोर थीटा डी थीटा, माइनस टू साइन टू थीटा प्लस ये टू टू कैंसिल टू, इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस कॉस फोर थीटा डी थीटा, जहां तक हो सके बनाता हूं, ये पार्ट तो हो चुका है, माइनस टू साइन टू थीटा प्लस अभी इंटीग्रेशन वन का थीटा प्लस टू कॉस फोर थीटा का साइन फोर थीटा बाई फोर प्लस सी, ये है कॉन्स्टेंट लिखिएगा, माइनस टू साइन टू थीटा प्लस इधर भी टू थीटा ऑल राइट, प्लस ये टू टू कैंसिल होके हो जाता है आपका टू साइन फोर थीटा को टू साइन टू थीटा कॉस टू थीटा प्लस सी, माइनस टू साइन टू थीटा प्लस यहां भी टू थीटा प्लस ये टू टू कैंसिल साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, ये हमने इंटीग्रेशन कर लिया, यहां तक कांस्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं, मैं ज्यादा इंपोर्टेंस इधर दे रहा हूं इसलिए इसे लिखू ना लिखू उसको इंपोर्टेंस दे ही नहीं रहा हूं। हमने सब्स्टिट्यूट किया था रूट एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा, रूट एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा, कॉस में एक्सप्रेशन होने से रूट एक्स लिखते, चलिए एक बार बना लेता हूं, माइनस टू साइन टू थीटा रूट ओवर वन माइनस कॉस स्क्वायर टू थीटा, कॉस में लिख दिया हमने, प्लस टू थीटा ठीक है रहने दे, प्लस साइन टू थीटा को रूट ओवर वन माइनस कॉस स्क्वायर टू थीटा, फिर ये कॉस टू थीटा इक्वल टू माइनस टू रूट ओवर वन माइनस कॉस टू थीटा का वेल्यू रूट एक्स स्क्वायर है तो सिर्फ एक्स, प्लस टू थीटा का वेल्यू कॉस इनवर्स, यहां से टू थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ओवर वन माइनस फिर कॉस स्क्वायर टू थीटा एक्स और कॉस टू थीटा मतलब रूट एक्स, ये आंसर आ रहा है, फिर टेक्स्ट बुक का आंसर से मैच कर लूंगा, प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस ये दो दो रूट एक्स है, आंसर क्या फॉर्म में लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में वो भी देख लेता हूं, अदरवाइज ये आपका आंसर यहां तक करेक्ट है, यहां तक लिखने से होगा कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 था माइनस टू रूट ओवर वन माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस सिंगल रूट दिया है, कहने का मतलब ये दोनों रूट कॉम्बाइन कर दे, ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये कॉन्स्टेंट आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर ये हमने 20 किया, 21 भी कर लेता हूं, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 ये सब मिक्स है और ये रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज, 2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 2x इंटू ई का पावर x dx। चलिए स्टार्ट करने, इंटीग्रेशन में एक ही बात ध्यान दीजिएगा, आपका स्टार्टिंग अगर करेक्ट हो तो मंजिल जरूर पहुंचेगा, स्टार्ट करना बड़ी बात है, स्टार्ट कैसे करूं ये इम्पोर्टेंट क्या क्या बात, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन देखा हमने, यहाँ तक तो कुछ और सोच रहा था मैं, लेकिन जब e का पावर x देखा तो ये अचानक दिमाग में आता है, ये फॉर्म है e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश x का, एक पार्ट है उसका डिफ्रेंसिएशन, यहाँ इस केस में हम फॉर्मूला के रूप में इसको यूज करते हैं e का पावर x एफ एक्स, इसका आंसर ये लिख देते हैं, अगर बाहर e का पावर x है और ब्रैकेट में कोई फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन, अदरवाइज लेंदी अगर करना चाहे तो किसी एक को बाई पार्ट से तोड़े दूसरा कैंसिल होगा, वो भी प्रोसेस हमने दिखाया है पिछले वीडियो में जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर रहे थे, और ये फॉर्मूला के रूप में इसको यूज करेंगे, फिलहाल e का पावर x देख के मुझे ये याद आया तो इस तरह से प्रोसीड करता हूं, क्या प्रोसीड करूंगा, e का पावर x रहेगा, यहाँ दो टुकड़ा होना चाहिए, एक और दो टुकड़ा होना चाहिए, दो टुकड़ा कर रहा हूं आसानी से जैसा बने बने
इक्वल टू e का पावर x फिक्स रख के दो टुकड़ा करें, कहने का मतलब 2 बाई 1 प्लस cos 2x, सॉरी इसको नहीं देना है ब्रैकेट, प्लस sin 2x बाई 1 प्लस cos 2x dx, दो टुकड़ा तो कर लिया। फिर ये भी देखना है एक का डिफरेंशिएशन दूसरा होना चाहिए, वो है कि नहीं जानने के लिए थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। 1 प्लस cos 2 थीटा 2x, 2 cos स्क्वायर x प्लस यहाँ 1 प्लस cos 2x, 2 cos स्क्वायर x, और sin 2x का 2 sin x इंटू cos x dx, e का पावर x ये 2 कैंसिल, 1 बाई cos स्क्वायर का मतलब हुआ आपका sec स्क्वायर x, प्लस ये 2 कैंसिल, 1 cos कैंसिल मतलब 10 x dx, दो टुकड़ा हो चुका है। और ये भी दिख रहा है कि 10x का डिफरेंशिएशन ये है, जिस तरह से मैं मैथ कर रहा हूँ, जिसको जिस स्टाइल में प्रोसीड कर रहा हूँ उसको मिला मैथ करने के लिए हमने लिखा था e का पावर x, यहाँ एक फंक्शन लिखो 10x लिखो, प्लस दूसरा वाला sec स्क्वायर है इसको बाहर ली, बाद में लिख देते हैं, पहले एक ही बात है मैंने बोला जिस स्टाइल से हम लोग कर रहे हैं, हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, जो फंक्शन पहले एक फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन बाद वाला, तो 10x वाला रियल फंक्शन और इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ये सेटिंग कर लिया e का पावर x। अब एक लाइन लिखता हूं इस तरह से 10x प्लस इसका डिफरेंशिएशन ये पार्ट है, ये पार्ट भी शो कर देता हूं, 10x एक फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन ब्रैकेट बंद dx इक्वल टू फॉर्मूला के हिसाब से आंसर e का पावर x 10x प्लस c, ये आपका कॉम्प्लीट आंसर। टेक्स्ट बुक का आंसर भी देख लूं, यहां तो बिल्कुल एक ही होना चाहिए, e का पावर x 10x वही है क्वेश्चन, मिटाऊं इसे और क्वेश्चन नंबर 22 लिखता हूं, आसानी से लिख लिख के कॉपी में करिएगा, ये बार बार बोलता हूं सिर्फ मैथ देखने से नहीं होता है, और मैथ सिर्फ ऐसे ऐसे कहानी के जैसा, पढ़ने से भी आपका प्रिपरेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, नो डाउट पार्शियल फ्रैक्शन का ए बाई बी बाई ए सब पकड़ेंगे, इसके लिए स्टार्टिंग बात आप पावर देख लें, डिनोमिनेटर में टोटल पावर 3 है, न्यूमिरेटर में 2 है, कम है ठीक है, ज्यादा होने से फिर एक्स्ट्रा केसेस होते, पावर वाला बात ठीक, डिनोमिनेटर का फैक्टर सब x प्लस वन का होल स्क्वायर लीनियर रिपीटेड फैक्टर, और ये सिंपल लीनियर फैक्टर, इसको हम लोग तोड़ते हैं a बाय लीनियर फैक्टर प्लस, पहले ये भी लिख सकता था ये कोई बात नहीं अपनी मर्जी, मैंने लीनियर वाला पहले लिखा a बाय लीनियर फैक्टर, यहाँ रिपीटेड फैक्टर तो रिपीट करो, रिपीट करो का मतलब b बाय x प्लस वन प्लस c बाय x प्लस वन का होल स्क्वायर dx, पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा किस तरह से, एक लाइन और लिख लू फिर इधर मिटा, इधर लिखता हूं इंटीग्रेशन कर ही देता हूं इसका, a बाय x प्लस टू मतलब a log x प्लस टू प्लस b बाई बी लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी, यहाँ पावर टू है, यहाँ पावर रूल से होगा x प्लस वन का पावर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन इक्वल टू a log x प्लस टू प्लस b log x प्लस वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन यानी माइनस सी, यहां भी पावर में माइनस वन नीचे जाएगा रेसिप्रोकल होगा एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट है इधर, अब काम है हमें ए बी सी का वैल्यू निकालना बाय पार्शियल फ्रैक्शन से, जो यहां स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इस पार्ट को कर दिया, अब ए बी सी निकालता हूं, वो कॉपी का एक साइड में रहेगा, यहां मैं इसे लिख के, हमने पकड़ा था एक्स स्क्वायर इसको, ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू इक्वल टू
इसको सपोज किया था, मतलब हमने लिखा था a by x plus 2 plus b by x plus 1 plus c by x plus 1 का होल स्क्वायर। ये सब मिटा दो, यहां तक कॉपी में हो चुका है, इस तरह से सोचिएगा। इसके बाद हमें आंसर लिखना है, a b c का वैल्यू लिखना है जो यहां से फाइंड आउट कर रहा हूं। न्यूमेरेटर इक्वल टू न्यूमेरेटर, पार्शियल फ्रैक्शन में ये सब बात ज्यादा कर चुके हैं, यहां बोरिंग नहीं करूंगा। इक्वल टू एलसीएम बिल्कुल दोनों का एक होगा। अभी ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा भाई, ए के साथ एक्स प्लस टू है, एलसीएम से एक्स प्लस टू गायब कर दे, ए के साथ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी के साथ एलसीएम से एक्स प्लस वन आउट करो, एक्स प्लस वन आउट किए तो एक रहा एक्स प्लस वन और ये एक्स प्लस टू रहा, प्लस सी के साथ एलसीएम से एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर गायब, एक्स प्लस टू बचेगा सी के साथ, सी इंटू एक्स प्लस टू। ये न्यूमेरेटर इक्वल टू न्यूमेरेटर हुआ, यहां से एक्स का वैल्यू सब्स्ट, ओ इसको तो रखता हूं, ये हमारा आंसर है, इसे ना मिटाऊ, मिटाने से फिर भूल जाता। इक्वल ये आंसर पार्ट है, इसमें एबीसी पुट करना, यहां से निकाल के एक्स इक्वल टू क्या पुट करूंगा, जिससे कोई एक फैक्टर जीरो हो जाए, कुछ भी आगे पीछे से कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट किया, माइनस वन पुट किया तो माइनस वन, ये तो वन हो गया, माइनस वन प्लस वन कैंसिल वन हुआ, ये जीरो एक्स प्लस वन, फिर एक्स प्लस वन जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट किया है तो माइनस वन प्लस टू सी, यहां से सी इक्वल टू वन आ चुका है, यहां लिख के रख देता हूं सी इक्वल टू वन आ गया। कई बार क्वेश्चन में मैं भूल जाऊं मिटा देता हूं, फिर मिलता ही नहीं खोज के क्या निकाला था। एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट के एक वैल्यू निकला, अब एंड भी कुछ यहां लिख के एक्स इक्वल टू माइनस टू पुट करता हूं, ये फैक्टर जीरो करने के लिए माइनस टू पुट किया, चलिए माइनस टू पुट करने से यहाँ फोर प्लस वन फाइव, ये फोर माइनस टू प्लस वन, ये फाइव माइनस टू थ्री इक्वल टू, माइनस टू पुट किया हूं माइनस टू प्लस वन, माइनस वन का स्क्वायर वन यानी ए, माइनस टू के कारण ये जीरो, ये भी जीरो, ए इक्वल टू थ्री आया, ए इक्वल टू थ्री, ये भी रख दो, ए निकल चुका, सी निकल चुका, बी चाहिए, बी चाहिए, तो फिर कुछ भी बैठाता हूं, फैक्टर जीरो करने वाला बात खत्म, एक्स प्लस वन जीरो ये कहिए, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो के पुट किए, अब एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस टू के अलावा कुछ भी पुट कर दे, कुछ भी में जीरो सबसे आसान होता है, अगर जीरो का यूज हम लोग नहीं किए इस क्वेश्चन में, तो जीरो यूज नहीं किया है, जीरो पुट कर रहा हूं, ये जीरो इधर वन इक्वल टू ए प्लस जीरो पुट किया तो टू बी, ये जीरो वन बचा, ये जीरो टू बचा, टू इंटू बी टू बी प्लस जीरो पुट किया तो इधर में टू सी, और जो वैल्यू निकाल चुके हैं उसको सब्स्टिट्यूट करके ए का वैल्यू थ्री प्लस बी का वैल्यू निकालना है प्लस सी का वैल्यू वन तो टू, टू इंटू वन टू, वन माइनस थ्री प्लस टू फाइव इक्वल टू टू बी, माइनस फोर इक्वल टू टू बी, बी इक्वल टू माइनस टू, बी इक्वल टू माइनस टू, यही वैल्यू बैठा दू, ए इक्वल टू थ्री यानी लॉग एक्स प्लस टू, बी का वैल्यू माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन, माइनस सी का वैल्यू वन, ये नीचे एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट एक दे, ये आंसर आया राइट होना चाहिए, टेक्स्ट बुक से मैच करना चाहिए, बाकी देख लेते हैं। माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन आगे पीछे लिखा हुआ, प्लस वन बाई एक्स प्लस वन, यहां प्लस है वन बाई एक्स प्लस वन, प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस टू प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस टू, ये बिल्कुल मैचिंग किया आंसर, आगे बढ़ते हैं। सी का वैल्यू ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमने 22 किया, 23 नंबर क्वेश्चन, 10 इनवर्स
root over 1 minus x divided by 1 plus x dx. बात वही है, बात वही का मतलब root over 1 minus x और 1 plus x. इस तरह के expression को simplify करने के लिए x equal to आप cos 2 theta no dot put करेंगे cos 2 theta. तो dx equal to minus sin 2 theta फिर 2 theta का 2 d theta. यानी minus 2 sin 2 theta into d theta. चलिए पुट करता हूँ, tan inverse root over 1 minus cos 2 theta divided by 1 plus cos 2 theta into dx का वैल्यू minus 2 sin 2 theta d theta. tan inverse इधर root over 1 minus cos 2 theta मने 2 sin square theta divided by 2 cos square theta into minus 2 sin 2 theta रहने दे. sin 2 theta, अभी sin 2 theta को नहीं तोड़ा, जरूरत है कि नहीं, नहीं पता अभी तक. ये cancel. tan inverse root over sin square cos square, दोनों के square out, sin theta by cos theta tan theta into minus 2 sin 2 theta d theta. cos 2 theta पुट किया था हमने, x equal to cos 2 theta ये लिख के रख दो. tan inverse tan only theta equal to integration of only theta minus 2 बाहर, इधर only theta minus 2 out के sin 2 theta d theta sin 2 theta d theta. ये easy product rule में है, integration by parts, algebraic function and trigonometric function. ये algebraic function, ये trigonometric function. theta देख के आप algebraic बोले तो गलत मत सोचिएगा, इस तरह से सोचा जाता है. ये x है, ये sin 2x है, ये algebraic function है, ये trigonometric function है. minus 2 bracket में no doubt algebraic को बाहर निकालेंगे, sin 2 theta d theta minus integration bracket में एक बार differentiation जिसको बाहर निकाला, एक बार इंटीग्रेशन जिसका इंटीग्रेशन हम लोग किए, ब्रैकेट बंद d थीटा और ये माइनस टू वाला ब्रैकेट बाहर से भी बंद. माइनस टू ब्रैकेट दिया हमने थीटा, साइन टू थीटा का माइनस कॉस टू थीटा बाय टू माइनस, ये डिफरेंशिएशन वन. इधर फिर माइनस साइन टू थीटा बाय माइनस कॉस टू थीटा बाय टू, फिर ये लास्ट वाला थीटा इंटीग्रेशन. अगर मल्टीप्लाई कर ही दू तो माइनस टू माइनस माइनस प्लस थीटा कॉस टू थीटा, फिर ये माइनस प्लस ये बाहर वाला माइनस माइनस, टू इंटू ये सब खत्म, कॉस टू थीटा डी थीटा. थीटा कॉस टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा का साइन टू थीटा बाय टू. क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन ऑफ, ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिखता है, सिंपलीफाई करने से छोटा हो जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग, सॉरी लॉग के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर माइनस टू लॉग एक्स, ये लॉग वाला पार्ट पूरा ब्रैकेट में है, डिवाइडेड बाई एक्स का पावर फोर डी एक्स. ये लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, जरूर सिंप्लीफाई का बात है, कुछ भी नहीं, पहले सिंप्लीफाई कर लू फिर आपको पैटर्न नजर आएगा, शुरुआत दौर में नजर नहीं आएगा. क्या ठीक कर लू, इसको फिलहाल ऐसे ही रखता हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये ब्रेकेट के अंदर दो लॉग क्यों है, एक लॉग बनाओ, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, ये पावर टू ऊपर जाएगा लॉगरिथमिक का रूल से. यहाँ रूट ओवर जो जो नजर आता है वो धीरे धीरे दिखाता हूँ. पहले हमने इंपोर्टेंस दिया लॉग को, तो लॉग ये आता है माइनस है बीच में, तो डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स का पावर फोर डी एक्स है. अब लॉग के साथ इतना बड़ा एक्सप्रेशन, नो डाउट यही हमारा प्रॉब्लम पार्ट है. अगर ये प्रॉब्लम पार्ट है तो रिमेनिंग पार्ट भी उससे मैचिंग होना चाहिए.
तो चलिए इसको किस तरह से सोचते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा प्रॉब्लम पार्ट, ऊपर है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स का पावर फोर डी एक्स, ये प्रॉब्लम पार्ट को लॉग एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसलिए इसको ऐसा लिखा क्योंकि अगर हम इसको टी पकड़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को टी पकड़ता हूं तो डिफ्रेंशिएट करने में डिवाइड रूल करना पड़ेगा, और अगर सेपरेट कर देता हूं तो डिवाइड रूल नहीं करना पड़ेगा, वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो, इसका इजीली कर देंगे। तो इसको हमने अलग अलग करके ऐसा लिखा, यहाँ रूट ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक एक्स यहाँ रख के वन बाई एक्स क्यूब डी एक्स इधर रख देता हूं, जिससे कि इसको भी रूट के अंदर डाल सकूं एक सिंगल एक्स को, लॉग वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये तो रूट में है ही, इसको भी अंदर डाला तो ये एक्स था रूट के अंदर दिया एक्स स्क्वायर, बाहर निकालेंगे एक्स निकलेगा एक्स निकलेगा इंटू वन बाई एक्स क्यूब डी एक्स, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लू इसको रूट वाला पार्ट को, एक्स स्क्वायर उसी तरह का बात वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, फिर लॉग सेम फंक्शन वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, और ये रिमेनिंग पार्ट एक्स क्यू डी एक्स, ये एडजस्टमेंट हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई अब इंटीग्रेशन के बारे में सोचते हैं, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, और एक्सप्रेशन भी बड़ा है तो सब्स्टिट्यूट करो किसको, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर ले लेता हूं रूट है, तो यहां रहा वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो, वन बाई एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स का पावर माइनस टू माइनस वन डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी, ये टू टू कैंसल माइनस वन बाई एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू टी डी टी, यानी वन बाई एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू माइनस टी डी टी इक्वल टू, इसको हमने टी स्क्वायर पकड़ा था, कहने का मतलब ये टी, फिर लॉग इसको वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर तो लीजिए टी स्क्वायर, वन बाई एक्स क्यूब ये माइनस टी डी टी मिटा दो, सिर्फ हमको इतना का काम है, ये सब आंसर लास्ट में देना है इसलिए सबको मिटा देता हूं। माइनस बाहर टी इंटू टी टी स्क्वायर, लॉग टी स्क्वायर, लॉग के अंदर टी स्क्वायर है तो टू लॉग टी डी टी, यानी माइनस टू बाहर ये टी स्क्वायर लॉग टी, नो डाउट इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, टी स्क्वायर बाहर रखेंगे नहीं, लॉग फंक्शन है लॉग का इंटीग्रेशन नहीं होता है, लॉग टी को बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस, फिर अंदर में डी बाई डी एक्स ऑफ नहीं, एक्स में नहीं है टी में है, डी बाई डी टी और बाहर वाला फंक्शन लॉग टी, इंटीग्रेशन जिसका किए थे उसका इंटीग्रेशन डी टी ब्रेकेट बाद लास्ट में भी डी टी और माइनस टू के लिए ये ब्रेकेट, माइनस टू ब्रेकेट में रखा लॉग टी, ये एक टुकड़ा टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई थ्री माइनस लॉग टी का डिफरेंशिएशन वन बाई टी, उसी तरह टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई थ्री डी टी, ये टू सबके साथ है ब्रेकेट बंद कर दिया। इक्वल टू माइनस टू, धीरे धीरे वेल्यू बैठाऊ ना, इंटीग्रेशन करना बाकी है ये कर लेता हूं फिर वेल्यू बैठाऊंगा, ये टी क्यूब बाई थ्री लिख दो पहले, टी क्यूब बाई थ्री लॉग टी, तब ब्रेकेट देने का जरूरत नहीं, नहीं तो आपको ब्रेकेट देना पड़ेगा कॉम्बाइन जिससे ना हो जाए, माइनस वन बाई थ्री ये वाला थ्री, यहाँ टी और टी क्यूब यानी इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी ब्रेकेट। इक्वल टू माइनस टू ब्रेकेट के बाहर ही रखता हूं अभी तक, टी क्यूब बाई थ्री लॉग टी माइनस वन बाई थ्री फिर टी क्यूब बाई थ्री
1 प्लस सी लास्ट में दीजिए माइनस 2 टी क्यूब बाय 3 लॉग टी माइनस 339 नीचे ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस 2 टी आंसर टी को कॉमन दू या ना दू टी को कॉमन देता हूं कितना कॉमन दू देख लेता हूं -1/3 t³ कॉमन दिया बचा 2 log t प्लस माइनस कॉमन दिया माइनस 1/3 तो 2/3 बचता है सिंपली 2/3 बचता है -1/3 t का वैल्यू रूट ओवर या 1 + 1/x² / 1/2 या रूट ओवर जो भी बोले तो ये हुआ 1 + 1/x² / 3 यानी 3/2 लोग ये 2 को यहां से उठा के यहां दे दे और एक लाइन नहीं लिखता हूं नेक्स्ट लाइन में ये लो नहीं तो इस तरह से लिखे इक्वल टू -1/3 t³ ब्रैकेट में log t² ये पावर वाला इधर दिया -2/3 ब्रैकेट में फायदा क्या -1/3 t³ का मतलब 1 + 1/x² / 3/2 log t² हमने इसको माना था 1 + 1/x² - 2/3 है लास्ट में प्लस c कांस्टेंट ये बुक का आंसर तक हमने मैच करके दिखा दिया चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर ये मिसेलेनियस एक्सरसाइज कर रहा हूं सीरियली हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 24 तक जो इनडेफिनिट पार्ट है पूरे एक्सरसाइज में एक सम और है जो इनडेफिनिट है बाकी डेफिनिट है बाकी डेफिनिट वाला क्वेश्चन सब डेफिनिट के साथ करेंगे ये इनडेफिनिट वाला क्वेश्चन 42 नंबर 1 है ये भी कर लेता हूं कम से कम टेक्स्ट बुक का इनडेफिनिट क्वेश्चन एक्सरसाइज के हमारे कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 42 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx इजीली यहां कुछ शायद बताने का जरूरत भी नहीं फिलहाल cos x का होल स्क्वायर है तो cos 2x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x dx cos x plus sin x a square minus b square में तोड़ रहा हूं cos x minus sin x divided by sin x plus cos x का होल स्क्वायर ये एक कैंसिल बचा आपका sin x नीचे sin x plus cos x ऊपर में cos x minus sin x dx इजीली है sin x का डिफरेंशिएशन cos x का minus sin x यानी इसको अगर t पकड़ता हूं तो ये ऊपर में dt eg आ जाता है यानी log t हम लोग t नहीं मान के सीधे मेरा ख्याल से आंसर लिख दीजिए जब इतना आसान है तो log t सोचने का दिन है बाहर सोच ले पेज के अंतिम में कहीं भी log t लिख रहा हूं t इसको माना था log sin x plus cos x plus c ये इनडेफिनिट के क्वेश्चन मिसेलेनियस एक्सरसाइज से जितने थे वो कर लिए हैं डेफिनिट शुरू करूंगा लेकिन कुछ ईयर के क्वेश्चन आगे कर ले पहले कर ले तब तक आप सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज कमेंट करें प्लीज